चलिए आज हम बनाने जा रहे नारियल की बर्फी। पहले हम एक मिक्सर जार लेंगे, उसमें ग्रेटेड कोकोनट डालेंगे। अब एक बाउल शक्कर और एक कप दूध डालेंगे। अब इसको हम थोड़ा दरदरा पीस लेंगे। देखिए इस तरह का पेस्ट होना चाहिए। अब एक कढ़ाई लेंगे, कढ़ाई गर्म होने के बाद उसमें एक चम्मच घी डालेंगे। घी गर्म होने पर कोकोनट का पेस्ट डाल देंगे और उसे अच्छी तरह से मिला लेंगे और आंच को हम मीडियम लो फ्लेम में रखेंगे। अब हम दूध पाउडर डालेंगे। यहाँ मैंने अमूल एवरीडे का दूध पाउडर यूज किया है। अब इस मिश्रण को लगातार 10 मिनट तक चलाते रहेंगे और आंच को लो मीडियम फ्लेम में ही रखेंगे। फ्लेवर के लिए इसमें हम थोड़ी सी इलायची पाउडर डालेंगे। इसको हम तब तक पकाएंगे जब तक कि ये मिश्रण गाढ़ा न हो जाए। देखिए ये मिश्रण गाढ़ा हो चुका है और ये कढ़ाई में भी नीचे पक रहा है। तो मिश्रण तैयार है, अब हम गैस को बंद कर देंगे। देखिए हमारा मिश्रण इस तरीके का ठीक होना चाहिए। मैंने यहाँ पर कंटेनर लिया है जिसे मैंने पहले से ही घी से ग्रीस करके रखा है। अब इस मिश्रण को इस कंटेनर में डालेंगे और स्पैचुला की मदद से एक साथ कर लेंगे। अब इसको हम 1-2 घंटे के लिए रूम टेम्परेचर में सेट होने के लिए रख देंगे। देखिए ये सेट हो चुका है, तो चलिए इसे हम बर्फी के आकार में काट लेते हैं। गार्निशिंग के लिए मैंने यहाँ पिस्ता डाला है। आप चाहे तो बादाम, काजू या अन्य ड्राई फ्रूट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लीजिए तैयार है नारियल की बर्फी। रक्षाबंधन का त्योहार आ रहा है, आप अपने घर में इस झटपट स्वादिष्ट नारियल की बर्फी को बनाएं और इसका आनंद लीजिए। मेरी तरफ से आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं।